हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चलते हैं, बनाते हैं पनीर की चटपटी सी सब्ज़ी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए हम ले लिए हैं, ये 200 ग्राम पनीर है। अब इसे हम कट कर लेंगे मीडियम साइज़ का। आप किसी भी साइज़ का कट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, आपको जिस साइज़ का पसंद हो। ये लीजिए, हमारी पनीर कट चुकी है। ये देखिए, इतना ही बड़ा साइज हमें चाहिए था। अब इस चलते हैं गैस की तरफ। तेल हमारा पहले से गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 टुकड़ा तेज़पत्ता, 2 इलायची, दालचीनी, 2 लौंग। अब इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ लहसुन अदरक। इसे मिक्स कर लेंगे 10 सेकंड के लिए। इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज 2। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हमें लगा इसे फ्राई करते हुए। इसका कलर देखिए चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपना कटा हुआ टमाटर। 2 टमाटर मीडियम साइज़ का था। अब इसे भी मिक्स करेंगे। इसमें मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे नमक। प्याज और लहसुन टमाटर मसाले अच्छे से पक जाएं, इसलिए हमें नमक सबसे पहले ही डालना चाहिए, क्योंकि नमक सभी मसालों को गला करके एक पेस्ट तैयार करवा देता है। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची, जो कि तीखी नहीं होती। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला, तीखी लाल मिर्च पाउडर अभी नहीं डाले हैं, अभी हम उस टाइम के बाद डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें डाल देंगे मटर। इस पर लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद चेक करेंगे तो ये देखिए, इसमें से ऑयल अलग हो रही है। इसका मतलब हमारा मटर और मसाला दोनों अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई पनीर। और सॉरी, आपको दिखा नहीं पाए थे, हम तीखी वाली लाल मिर्ची 1/2 चम्मच से भी कम डाले थे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। और इस पर अब लगा देंगे 1/2 मिनट के लिए ढक्कन। ये देखिए, फिर से हटा करके आपको दिखा रहे हैं ढक्कन को। ये देखिए कितनी अच्छे से फ्राई हुई है और कितना अच्छा इसका कलर आया है। आपको फ्राई करने और मसाला तैयार करने में सिर्फ 3 मिनट के ही टाइम लगे हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है। इसमें थोड़ा सा और ग्रेवी डाल देंगे। इतने ग्रेवी के लिए हमें 1 गिलास पानी लगा, जिससे आप नाप में कह सकते हैं 200 ml। ये देखिए, अब सब्ज़ी हमारी पकनी शुरू हो चुकी है, पक गई है अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती और इसे मिक्स करेंगे। धनिया पत्ती डालने और मिक्स करने के बाद में हम नीचे गैस बंद कर देंगे। और अब सब्ज़ी आपको निकाल करके दिखा रहे हैं कि आप देखिए कितनी सुंदर सब्ज़ी बनी है। लग रही है जैसे रेस्टोरेंट की सब्ज़ी आई हुई है, या शादी में भी ऐसी सब्ज़ी बनते हैं।